प्रिया कुकिंग क्लासेस, मैं रोहिणी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल रेसिपी उकड़ी के मोदक यानी स्टीम मोदक बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए मैंने लिया है, स्टीम मोदक बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 कप चावल का आटा। आप प्लेन राइस फ्लावर है वो ले सकते हो, रेडीमेड मार्केट में जो मोदक फीड आता है वो ले सकते हो, और ये मैंने घर पे रेडी किया है। इसके लिए मैंने आंबे मोहर चावल 2 कप, बासमती चावल 1 कप और इंद्रायणी चावल 1/2 कप, तीनों को मैंने 2-3 बार पानी से धो के रात भर कॉटन के कपड़े पे पंखे के नीचे सुखाया है, और दूसरे दिन मैंने उसे चक्की पे पीस के लाया है बारीक, और ये मैंने घर पे ही फ्रेश आटा रेडी किया है। आप रेडीमेड भी ले सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। मुझे लगेगा 1/2 टेबल स्पून घी, देसी घी। ये लगेगा 1/2 TSP इलायची पाउडर, 1/4 TSP मैंने लिया है जायफल पाउडर, यह ऑप्शनल है, और 1 TSP मैं लूंगी दूध, और ये 1/4 TSP मैंने लिया है थोड़ा सा 2 पिंच सॉल्ट, और मोदक के स्टफिंग के लिए मैंने लिया है 1.5 कप फ्रेश कोकोनट ग्रेट करके और 1 कप गुड़ जैगरी। अब हम मोदक बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम मोदक की स्टफिंग बनाना सीखते हैं। मैंने जो 1/2 टेबल स्पून घी लिया था उसमें से मैंने 1/2 घी लिया है, और वो मैं पैन में डाल रही हूँ। गैस मैंने लो फ्लेम पे रखा है। इसमें मैं ऐड करूंगी फ्रेश कोकोनट, और इसी में हमें डालना है जैगरी। आप जैगरी पाउडर भी यूज कर सकते हो, और इन दोनों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। गुड़ और कोकोनट अच्छे से मिक्स होना चाहिए, तभी स्टफिंग की टेस्ट बहुत अच्छी आती है। फ्रेंड्स, आप गुड़ आपको कम मीठा चाहिए तो थोड़ा सा कम कर सकते हो, लेकिन मेरा ये मेजरमेंट परफेक्ट है। आपको इसे अच्छे से 5-6 मिनट तक मिक्स करना है। फ्रेंड्स, गुड़ हमारा मेल्ट हो रहा है, मिक्स हो रहा है अच्छे से। इसे हमें और 5 मिनट तक मिक्स करना है। फ्रेंड्स, गुड़ और कोकोनट अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैंने गुड़ को मिक्स होने के बाद आपको गैस की फ्लेम थोड़ी सी मीडियम करनी है। फ्रेंड्स, इसे मिक्स करने के लिए 5-7 मिनट मुझे लगे हैं। 5-7 मिनट के बाद ये अच्छे से रेडी हो जाता है, देखिए। अब मैं इसमें डालूंगी इलायची पाउडर और जायफल पाउडर। आपको चाहिए तो आप ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो, ऑप्शनल है, और आपको गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और पूरा ठंडा कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये मेरा मोदक का स्टफिंग रेडी है। अब हम मोदक के लिए आटा रेडी करेंगे। मोदक का आटा रेडी करने के लिए मैंने एक पैन रखा है गैस पे, गैस मेरा मीडियम फ्लेम पे है। मैं इस पे डालूंगी 1.5 कटोरी पानी। जितना हम पानी लेंगे उतना ही आटा है, आटा लेना है। इसी कटोरी से मैंने 1.5 कप आटा लिया है, और इसी कटोरी से मैंने 1.5 कप पानी डाला है पैन में। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 TSP घी, लगभग छोटा 1 चम्मच घी। इसमें हम डालेंगे 1/8 TSP एंड 2 पिंच सॉल्ट, और इसमें मैं डालूंगी 1 TSP मिल्क, ये भी हमें इसी पानी में डालना है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, उबाल आने तक वेट करेंगे। इसे हमें एक अच्छा उबाल लाना है। देखिए, हमारा पानी उबलना स्टार्ट हो गया है। इसी स्टेज पे हम इसमें डालेंगे चावल का आटा, मोदक का पीट। यह हमें धीरे धीरे करके डालना है और तुरंत ऐसे मिक्स करते रहना है।
आटा हमें थोड़ा थोड़ा डालना है और एक हाथ से ऐसे मिक्स करना है। अभी मैं गैस की फ्लेम को स्लो कर दिया है। अब मैंने सारा आटा इसमें डाल लिया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। अब मैं इसे 5 से 7 मिनट तक इसे ढक के रखूंगी। 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब मैं ये आटे को एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। फ्रेंड्स, ये आटा बहुत गर्म है, इसे मैं और 2-3 मिनट वेट करती हूँ ठंडा होने के लिए। इसे हमें पूरा ठंडा नहीं करना है और पूरा ज़्यादा गर्म भी नहीं रखना है। गर्म रखा तो आपका हाथ जल सकता है, तो इसे हाथ से हम अच्छे से मसल सकेंगे इतना तक हमें रखना है, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। फ्रेंड्स, ये आटे को मैं अभी अच्छे से इसे मिक्स करके, ये अभी भी थोड़ा गर्म है, इसी स्टेज में हमें अभी इसे अच्छे से मसल मसल के मिक्स करना है, स्ट्रेच करके ऐसे मिक्स करना है और इसका डो रेडी करना है। आप इसके ये मिक्स करते समय आप घी का भी, हाथ को घी भी लगा सकते हैं थोड़ा सा। मैं थोड़ा सा लगा लेती हूँ तो ये ज़्यादा हाथ को चिपकेगा नहीं। इसे मैं अच्छे से गूंदना है, सॉफ्ट डो रेडी करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मोदक का डो अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम इसके मोदक बनाएंगे। हमें ऐसे ही सॉफ्ट डो चाहिए। फ्रेंड्स, ये मेरा डो रेडी हो गया है। देखिए, ऐसे सॉफ्ट डो चाहिए हमें। अब हम इसके मोदक बनाएंगे। मैंने अभी थोड़ा सा राइस फ्लावर इधर लिया है, मोदक का आटा, सूखा आटा, और ये थोड़ा सा घी भी लिया है साइड में। पहले मैं आपको एक साचा से बना के दिखाऊंगी। ये ऐसे रेडीमेड साचा मिलता है मार्केट में, इसको ऐसे एक स्क्रू रहता है, इसे मैं निकाल लेती हूँ। इसके अंदर मैं थोड़ा सा घी लगाऊंगा। कभी कभी मोदक का आटा जो रहता है ना, वो कभी कभी अंदर चिपक जाता है, तो मैं इसे अंदर से थोड़ा सा घी लगाऊंगी। फिर से मैं इसे बंद कर दूंगी और ये स्क्रू मैं इसके ऊपर इसे अंदर लगा लूंगी। अब मैं ये डो में से एक बॉल निकालूंगी, जैसे राउंड करना है, और ये बॉल हमें इसके अंदर डालना है और ये हमें ऐसे थोड़ा घी में हाथ डुबाना है। फिर से थोड़ा घी लगाना है हाथ को और ऐसे इसके अंदर प्रेस करना है। ये सारे एजेस हमें ऐसे निकालने हैं, तभी इसका शेप अच्छे से निकल आएगा। देखिए, हमारा आटा बहुत ही सॉफ्ट रेडी हो गया है, बहुत ही सॉफ्ट हो गया है, अच्छे से परफेक्ट। मैं इसके अंदर थोड़ा सा आटा और कर लूँगी और ऐसे हमें कैविटी बनानी है अंदर, ऐसे गोल बनाना है। ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा मोटा भी नहीं, और एक्स्ट्रा बैटर हमें इसे डो निकालना है। अब हम इसके अंदर स्टफिंग डालेंगे। देखिए, मैंने ऐसे रेडी किया है। अब मैं इसके अंदर स्टफिंग डालूंगी। ये मैंने स्टफिंग लिया है, अब मैं इसके अंदर ये डालूंगी। स्टफिंग डालने के बाद मैं थोड़ा सा और डो लूंगी और इसको इसके ऊपर ऐसे अच्छे से प्रेस करूंगी। इसे हमें अच्छे से ऐसे प्रेस करना है। अब मैं आपको इसे निकाल के दिखाती हूँ। ये मैं ये स्क्रू है, उसे निकालना है। साइड में रख देती हूँ। वो देखिए, मेरे हाथ को थोड़ा घी है इसलिए वो। देखिए फ्रेंड्स, परफेक्ट मोदक रेडी है। वाओ, देखिए इसका शाइन। खाने में तो ये बहुत टेस्टी लगेगा। अभी मैं आपको दूसरा टेक्निक बताती हूँ मोदक बनाने का। ऐसे एक बॉल लेना है छोटा, इसको ऐसे हाथ पे राउंड करना है। मैंने हाथ को कुछ भी नहीं लगाया है, ऐसे डो बनाना है, ऐसे गोल बनाना है।
इसको बीच में थोड़ा सा प्रेस करना है। अब मैं हाथ को थोड़ा सा सूखा आटा लगाऊंगी, ये सूखा आटा ऐसे मैंने लगाया हाथ को और इसे मैं ऐसे घुमाऊंगी। इसे हमें ये अंगूठे से धीरे धीरे प्रेस करना है ऐसे, और बीच में थोड़ा थोड़ा, ज्यादा पतला भी नहीं करना है, ऐसे कटोरी जैसा ऐसे बनाना है घुमा घुमा के। बीच बीच में थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा सूखा आटा लगा रही हूँ, चावल का आटा, मोदक का आटा, बीच बीच में थोड़ा सा। देखिए ये ऐसे कटोरी टाइप बन गया है। इसके अंदर मैं अभी थोड़ा सा और इसे मैं पतला को, ज्यादा पतला भी नहीं करना है। देखिए अब इसके अंदर मैं थोड़ा फिलिंग डालूंगा, फिलिंग डालने के बाद अब हम इसकी कलियां बनाएंगे। आपको क्या करना है, ऐसे हाथ पकड़ना है और ऐसे इसको प्रेस करना है। देखिए ऐसे आपको इसकी कलियां बनानी है। बीच बीच में आपको ऐसे सूखा आटा हाथ में लगाना है और ऐसे इसकी कलियां बनानी है। आपको जितनी भी पॉसिबल है आप कलियां बना सकते हो। ऐसे हमें सब ये कलियां बनानी है। देखिए अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं इसमें और फिलिंग डालती हूँ। देखिए अब हमें क्या करना है, इसे बीच में ऐसे हाथ में रखना है और दूसरे हाथ से मैं इसको ऐसे घुमाऊंगी धीरे धीरे। इसे मैं धीरे धीरे, एकदम धीरे, हल्के हाथ से घुमाना है, एकदम धीरे धीरे, और कुछ भी नहीं करना है, ऐसे धीरे धीरे घुमाना है। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा मोदक रेडी हो गया है। अब मैं आपको तीसरा टेक्निक बताती हूँ। ऐसे आपको एक प्लास्टिक का कुछ भी बैग वगैरह रहेगा आपको लेना है, ऐसे रखना है, और ये मैं एक बॉल लूंगी डो में से, और ये पेपर को मैंने थोड़ा सा घी लगाया है नीचे, और इसके ऊपर ये बॉल रखा है, और घी का ही जो हाथ है मैंने इसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा प्रेस किया। ये दूसरा पेपर मैं इसके ऊपर अभी रखूंगी, इसको मिडल में रखना है, और ऐसे अब मैं इसे थोड़ा सा बेलूंगी, जैसे हमारी पूरी रहती है ना, पूरी के जितना हमें बेलना है। ज्यादा पतला भी नहीं करना है, नहीं तो मोदक फट जाएगा। फ्रेंड्स ये देखिए बेल के रेडी है। अब हम, आप पहले भी फिलिंग डाल सकते हो और बाद में भी डाल सकते हो कटोरी बनाने के बाद। मैं इसके पहले ही फिलिंग डालती हूँ, वो इजी पड़ता है। देखिए ऐसे आपको इसके अंदर फिलिंग डालना है और फिर से आटे का हाथ लगे लेना है, चावल के आटे का, और ऐसे कलियां बनानी है। देखिए मैंने सारी कलियां बनाई है। अब मैं इसे भी ऐसे ही सेम मेथड से ऐसे इसके ऊपर, ये हाथ के ऊपर ऐसे रखा है, और ये हाथ से मुझे थोड़ा थोड़ा प्रेस करना है और ऐसे घुमाना है हल्के हाथ से। इसके ऊपर सिर्फ हमें थोड़ा सा प्रेशर डालना है, देखिए इससे प्रेस करना है, और ये हमारा मोदक एकदम इजी वे से रेडी है। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने मोदक रेडी कर लिए हैं, थोड़े साचा से बनाए, थोड़े हाथ से बनाए हैं। आपको स्टीमर पहले ही रेडी करके रखना है, मैंने स्टीमर रेडी करके रखा है, अब मैं इसे स्टीम करूंगी। ये स्टीमर मैंने रेडी करके रखा है, देखिए इसके नीचे मैंने पानी डाला है, ऊपर ये जाली रखी है। अभी आपको डायरेक्ट रखना है तो इसके ऊपर आपको पहले ही घी लगा के रखना है और उसके ऊपर मोदक रखने हैं, क्योंकि कभी कभी मोदक बहुत बार चिपक जाते हैं, तो इसके लिए हमें प्रिकॉशन के लिए इसके ऊपर हम केले का पत्ता भी रख सकते हैं और उसके ऊपर मोदक रख सकते हैं, नहीं तो हल्दी का पत्ता है अवेलेबल तो वो भी रख सकते हैं, नहीं है तो हम ऐसे कॉटन का अच्छा सा ये कपड़ा लेना है और उस इसे मैंने थोड़ा सा भिगो के ऐसे पानी उसका निचोड़ के लिया है, और इसको मैं ऐसे ऊपर अरेंज करूंगी, और इसके ऊपर अब मैं मोदक वन बाय वन रखूंगी। ये मैंने सारे मोदक स्टीमर में रख दिए हैं, अब मैं इसे 15 मिनट स्टीम करूंगी। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम से थोड़ा सा ज्यादा रखा है, अब मैं इसे 15 मिनट बाद चेक करती हूँ। अभी परफेक्ट 15 मिनट हो गए हैं, मैं इसे खोल के देखती हूँ। देखिए देखिए फ्रेंड्स
परफेक्ट उकड़ी के मोदक रेडी है। अभी मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इन्हें मैं प्लेट में निकालती हूँ। इन्हें गर्म गर्म ही सर्व किया जाता है। फ्रेंड्स, मोदक को गर्म गर्म ही सर्व किया जाता है। इसे गर्म, बहुत गर्म रहता है तो पॉसिबल नहीं रहता है, तो मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। ऐसे आप कटोरे में थोड़ा सा पानी लेना है, उसके अंदर ऐसे हाथ डुबाना है थोड़ा सा हल्के हाथ से, और इसे मोदक को ऐसे निकाल के प्लेट में रखना है। ऐसे फिर से कटोरी में हाथ डाल के ऐसे मोदक को उठा के ऐसे प्लेट में आपको साइड में रखना है। देखिए, ये परफेक्ट उकड़ी के मोदक यानी स्टीम मोदक रेडी है। ये बहुत गर्म है, इसके ऊपर घी डाल के ही इसे सर्व किया जाता है। फ्रेंड्स, तो ये गणेश चतुर्थी आप ये मोदक अपने हाथों से बनाइए और बापा को प्रसाद चढ़ाइए। और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।